भारत के जवानों की गई थी जान तो बदले में मिला था जवाब, जब लिया था बदला खून से खून का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद और आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म उरी के बारे में, जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान से अपने शहीद जवानों का बदला लिया था। वहीं आज इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। यकीनन फिल्म का ट्रेलर देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजी संजू जैसी फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग से सभी का दिल जीत लेने वाले विकी कौशल ने इस फिल्म में मेन रोल निभाया है। वो इस फिल्म में एक बार फिर फौजी के किरदार में नजर आए हैं। ट्रेलर में विकी की एक्टिंग देखते ही बन रही है। उन्होंने अपने रोल को बखूबी निभाया है और एक बार फिर साबित कर दिया है कि टैलेंट स्टारडम पर भारी पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ परेश रावल भी दमदार रोल में नजर आ रहे हैं। उनके रोल को एनएस से अजीत डोभाल से जोड़कर देखा जा रहा है। ट्रेलर में परेश का डायलॉग, ये हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा, ये नया हिंदुस्तान है, ये घरों में घुसेगा भी और मारेगा भी। इस फिल्म में परेश के अलावा यामी गौतम, मोहित रायना, कीर्ति कुल्हारी भी दमदार रोल में दिख रहे हैं। हर एक का किरदार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वहीं ट्रेलर में जबरदस्त डायलॉग तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ शानदार बैकग्राउंड स्कोर भी है जो आपका दिल जीत लेगा। बता दें कि इस फिल्म को आदित्य धार ने डायरेक्ट किया है और प्रोड्यूस रोनी स्क्रूवाला ने। इस फिल्म के पोस्टर्स, टीजर और ट्रेलर तो हिट हो ही गए हैं। वहीं अब ये फिल्म क्या धमाका करती है ये तो अगले साल 11 जनवरी को पता चल ही जाएगा। वेल, आपको इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।